जनपद मुरादाबाद में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को खानपान की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रशासन स्तर के साथ नागरिक सुरक्षा कोर के सभी लोग काम कर रहे हैं। इस मौके पर मुरादाबाद के सभी क्षेत्रों में पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को खानपान की सुविधाएं देने के साथ साथ धनराशि देकर उनकी सहायता करने के लिए काम भी किया गया। डिप्टी चीफ वार्डन हाजी नजमुल इस्लाम एडवोकेट का ये कहना है कि इस कार्य में सभी लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं, जिसको लेकर गरीब तबके के लोगों की मदद भी की जा रही है। पूरे देश में कोरोना महामारी, हर कोई व्यक्ति इस बीमारी से निजात पाने के लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार के साथ सहयोग कर रहा है और कदम से कदम मिलाकर काम भी कर रहा है। पूरे देश में सरकार द्वारा 31 मई तक लॉकडाउन घोषित है, जिसके बाद लगातार गरीब तबके के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए शासन और प्रशासन स्तर से काम किया जा रहा है। मुरादाबाद जनपद में जिला प्रशासन द्वारा भी सभी जरूरतमंद को खान पान की सामग्री वितरित की जा रही है। मुरादाबाद जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने वाला नागरिक सुरक्षा कोर लगभग 2 महीने से लगातार जनता की सेवा करने के लिए काम कर रहा है। शहर में लोगों को खाद्य सामग्री वितरित करने के लिए नागरिक सुरक्षा कोर के डिप्टी चीफ वार्डन हाजी नजमुल इस्लाम एडवोकेट के द्वारा वितरण किया जा रहा है। साथ ही जरूरतमंद व्यक्तियों को राशन वितरण करने के साथ ईद के मौके पर धनराशि भी दी जा रही है, जिससे इस मुश्किल घड़ी में ईद का त्यौहार अपने परिवार के साथ अच्छी तरह से मना सकें। मुरादाबाद के करूला, इस्लाम नगर, पुराना RTO, पंडित नगला, बरवाला, पीरजादा, गलशहीद, शाहपुर, तिगरी, दौलतबाग, नवाबपुरा, किसरौल, कोहिनूर, तिराहा, लालबाग, शहर के 15 वार्डों में खाद्य सामग्री वितरित की गई। सभी जरूरतमंद व्यक्ति राशन और धनराशि मिलने के बाद सरकार और नागरिक सुरक्षा कोर को दुआएं देते हुए दिखाई दे रहे थे। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से हाजी नजमुल इस्लाम एडवोकेट ने शहर में बिना मास्क लगाए घूम रहे व्यक्तियों को मास्क दिए और उनसे सहयोग की अपील भी की। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से नागरिक सुरक्षा कोर के ADC गुलाम नबी, मोहम्मद वसीम अंसारी, सिकंदर हुसैन, वसीम अख्तर, मोहम्मद शादाब अहमद, फहीम सरताज, विकास कुमार, आलम अब्बासी, मोहम्मद कासिम के साथ नागरिक सुरक्षा कोर के स्वयंसेवकों का भरपूर योगदान रहा। पत्रकारों से बात करते हुए नागरिक सुरक्षा कोर के डिप्टी चीफ वार्डन एवं वरिष्ठ निर्यातक हाजी नजमुल इस्लाम एडवोकेट ने बताया कि लगातार शहर में 2 महीने से खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है, जिसमें जिला प्रशासन का सहयोग मिलने के साथ साथ मेरे शुभ चिंतकों का भी भरपूर योगदान मिल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्य हमेशा जारी रहेगा जब तक जरूरतमंद लोगों को फायदा नहीं पहुंचाता। सभी स्वयंसेवकों की हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने बधाई दी कि वो लगातार प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि लॉकडाउन ये 4 चल रहा है और ये 31 मई तक है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने पूरे शहर के अंदर राशन वितरण और भोजन का दोनों टाइम का युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। इसमें हमारे अपर जिलाधिकारी महोदय का पूर्ण रूप से सहयोग है। उसी के क्रम में मैं भी राशन के लिए पूरी भरपूर प्रयास कर रहा हूं कि कोई व्यक्ति भूखा ना सो, सबके घरों में राशन पहुंचे। उसी के साथ साथ मैं नगद के रूप में धनराशि भी दे रहा हूं, क्योंकि ज़रूरत है दूध की है, किसी के बच्चे हैं, दूध के लिए दवाइयां हैं, इस तरह की सब्जियां हैं। तो मैंने जब देखा कि बहुत से लोग इसके लिए पैसे के लिए रो रहे हैं, तो मैंने एक सोचा दिमाग में अपने कि जो ज़रूरतमंद हैं उनको मैं नगद के रूप में धनराशि भी उपलब्ध कराऊँ, जो मैंने कल भी उपलब्ध कराई थी और आज भी उपलब्ध करा रहा हूँ। मेरा जो पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है, मुझे जश के चेयरमैन श्री नीरज खन्ना जी और MHEA के अध्यक्ष नाबिदुर रहमान साहब और अवधेश कुमार जी, उसी के क्रम में अकरम शमसी जी ने भी सहयोग दिया है और मुझे सहयोग एटोस के विजय गुप्ता जी के से मुझे सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं उनका भी आभारी हूँ, कमल सोनी जी का भी आभारी हूँ और जितने भी मेरे मुरादाबाद के निर्यातक हैं जो मुझे सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने इस घड़ी में, इस मुश्किल में मेरा साथ दिया है, ताकि मैं ज़रूरतमंदों को खाना पहुँचा रहा हूँ और राशन वितरण कर रहा हूँ। देखिए, मैंने जो लोग बिना मास्क के घूम रहे थे उनको मैंने मास्क वितरण किया है और बिना मास्क वाले को मैंने कोई राशन किट नहीं दी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया है, जिसमें मेरे सहयोगी गुलाम नबी साहब जो सहायक उपनियंत्रक प्रभारी हैं वो मेरे साथ हैं, बराबर लगे हुए हैं, और सिविल डिफेंस के जो मेरे वार्डन्स हैं, जैसा आप देख रहे होंगे, जगह जगह चौराहों पर दिन रात बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं। उसी के साथ मेरे साथ जो टीम चलती है उसमें राशन वितरण के लिए वो उनके घर घर पहुँचाते हैं और मेरे साथ जाके वो सब जगह बंटवाते हैं, और मैं भी स्वयं जो मेरे ऑफिस में कॉल होती है उसको मैं तुरंत ही उसका निस्तारण करता हूँ और फौरन उसके घर तक राशन पहुँचाता हूँ, चाहे वो सुबह के 6 बज रहे हो या 8 बज रहे हो या रात के 11 बज रहे हो, मैं सभी को राशन वितरण कर रहा हूँ और ये मैं जब तक करूँगा जब तक भी ये लॉकडाउन पीरियड रहेगा।